हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आए हम लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के जो लेटेस्ट अपडेट हैं। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, देखिए पीएनबी बैंक की जो ना हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में 10वीं पास नई भर्ती निकली है। दोस्तों, इसमें पद रहेंगे पीएन के और प्रोसेस सर्वर के। जो 10वीं पास भर्ती निकली है वो पीएनबी बैंक की फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में पीएन और प्रोसेस सर्वर के पदों पर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस भर्ती रहेगी। दोस्तों, ये जो पीएनबी बैंक की है, और पीएनबी बैंक नहीं दोस्तों, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में है जो है ना अपनी पीएन और प्रोसेस सर्वर की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। दोस्तों, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक हरियाणा में जो है ना 3% का दोस्तों जो खेल कोटा था ग्रुप ए, बी और सी में, उसको सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। एक बार दोस्तों इस पर क्या रोक लगा दी गई थी, यानी खत्म कर दिया था जो है 3% जो खेल कोटा था ग्रुप ए, बी और सी में। ग्रुप डी में जो 10% है उसको तो बिल्कुल वैसे ही रखा, लेकिन इसको खत्म कर दिया था, लेकिन बहुत सारे विरोध हुए तो दोबारा से 3% खेल कोटा जो है ग्रुप ए, बी और सी में जो सरकारी नौकरियों में होता है दोस्तों, आरक्षण जो स्पोर्ट्स कोटे का, तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। और अभी की बहुत ही बड़ी खबर, लगातार आईबीपीएस ने 3 रिजल्ट जारी किए हैं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये। आईबीपीएस क्लर्क मेंस रिजल्ट 7855 पोस्ट का वो भी आउट हो चुका है, और आईबीपीएस पीओ और एमटी फाइनल रिजल्ट 4135 पोस्ट का दोस्तों, ये भी रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। इसके बाद आईबीपीएस एसओ का दोस्तों स्पेशल ऑफिसर, इसमें 1828 पद थे दोस्तों, इस पोस्ट का भी रिजल्ट आउट हो चुका। तो 3 लगातार एक के बाद एक धमाके किए हैं आईबीपीएस ने दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्तियों के रिजल्ट आए हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ बात करता हूँ दोस्तों, हरियाणा में सेटसी 2022 का भी जो रिजल्ट वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में रिजल्ट के लगभग भरमार है दोस्तों, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट, तो रिजल्ट लगातार डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद बात करता हूँ अगला दोस्तों, जीएमसीएच दोस्तों, जो चंडीगढ़ के अंदर स्टाफ नर्स की एग्जाम डेट और उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। एग्जाम डेट आपकी रहेगी 17 अप्रैल को दोस्तों, स्टाफ नर्स का एग्जाम है चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों 17 अप्रैल को, इसके एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया दोस्तों। उसके बाद एमपी में दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों पब्लिक हेल्थ बोर्ड में 3435 पदों पर दोस्तों, मध्य प्रदेश पीईबी में 3435 पदों पर सब इंजीनियर की भर्ती निकली है, सब इंजीनियर की भर्ती। इसमें आप 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया रहेगा 6, माफ कीजिएगा दोस्तों, एज रहेगी इसमें 18 से 40 साल तक के व्यक्ति इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट भी दोस्तों इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी गई है, 6 जून 2022 को इसका एग्जाम एमपी द्वारा लिया जाएगा, एमपी की जो गवर्नमेंट है दोस्तों जिसने ये वैकेंसी निकाली है। इसमें फीस क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल, ओबीसी, जनरल या फिर अदर स्टेट का कोई दोस्तों दूसरा फॉर्म रहेगा एमपी में, तो उसके ₹560 लगेंगे, और एससी, एसटी और ओबीसी का दोस्तों इसमें ₹310 लगेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक के लिए टेस्ट अपडेट। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले हरियाणा की भी कोई भर्ती हो या एसएससी सेंटर लेवल, किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से बड़ी भर्ती हो, सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।